हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी के सभी। तो वेलकम है एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो भी काफी मजेदार होने वाली है क्योंकि अपने फेरो भैया भी एक्शन में दिखेंगे और एवलांच भैया भी दिखने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हाँ गाइस, अभी जो नया रॉयल पास आने वाला है वो हम 10 रॉयल पास गिव अवे करेंगे। तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जाके जल्दी से फॉलो कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो ये दोनों काम होने के बाद आप में से किसी 10 लकी विनर को रॉयल पास दे दूंगा मैं। तो बस इतना ही बताना था आपको। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जोकर अब करे तो करे क्या, हमें तो ये भी नहीं पता उस तलवार को रोका कैसे जाए। पोसाइडन को ये सब मालूम था पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि हमारी मदद करें। जोकर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो हर जगह आतंक मचा देंगे ऐसे। हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में, पर पोसाइडन के बाद ऐसा कौन सा बंदा है जो इस तलवार के बारे में ज्यादा जानता है। अरे हम तो एक बंदे को भूल ही गए, एवलांच को। उसको तो इस तलवार के बारे में बहुत ज्यादा पता है। हाँ सही कहा जोकर तुमने, उसके पास तलवार बहुत सालों तक रही भी है, वो ज्यादा जानता होगा उसके बारे में। हाँ सही कहा। तो फिर आगे क्या करना? अब आगे हम में से किसी को जाना पड़ेगा उससे बात करने के लिए, पर आखिर जाएगा कौन? अरे एक काम करते हैं, एंजल और मैं चले जाते हैं, तुम सब यहीं पे रुको, पोसाइडन का ध्यान रखना जब तक हम नहीं आ जाते हैं। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जान वो बंदा तो भाग गया, अब कैसे पकड़ेंगे उसे? उसको पकड़ने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? कैसा आइडिया? इस मैप के हर एक कोने में उसे ढूंढेंगे, तब जाके शायद कहीं वो मिल जाए। इतने बड़े मैप में हम दोनों कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे? हम नहीं, हमारे लोग ढूंढेंगे। यहाँ पर तो हमारे कोई भी लोग नहीं है। रुको अभी तुम्हें मिलवाता हूँ। तो ये हैं वो कुछ लोग जो इस पूरे मैप में हंटर को ढूंढेंगे। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अब इनकी हेल्प से हम बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। इस पूरे मैप का हर एक कोना छान दो, जहाँ पे भी हंटर मिले बस मुझे बता देना, मैं उसकी पेटी बनाने के लिए वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है बॉस, हम समझ गए। जोकर हम सही जगह पर तो आए हैं ना? हाँ जहाँ तक मुझे पता है वो लोग इधर ही कहीं रहते हैं। बचाओ मुझे, बचाओ इन दोनों से, ये लोग पागल हैं। भागो यहाँ से भागो। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वहाँ पे वो लोग पागल हो चुके हैं, सबकी पेटी बना रहे हैं, तुम भी निकल लो। अरे क्या हो गया, कौन किसकी पेटी बना रहा है? अरे वहाँ पे दो लोग पता नहीं एकदम से पागल हो गए, सबको मारने लग रहे हैं वहाँ पे, तुम भी निकल लो यहाँ से वरना पेटी बनेगी तुम्हारी भी। अरे इसे क्या हो गया अचानक? पता नहीं क्या हुआ, चलो आओ देखते हैं वहाँ पे चल के। अच्छा तो इन दोनों की बात कर रहा था वो, ये तो मुझे नॉर्मल से लग रहे हैं। अरे इनको अचानक क्या हो गया? हैं? अब इनकी पेटी किसने बना दी? अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो रैंगल में थे ना? अरे एवलांच हम तो तुमसे मिलने आए थे इधर, और ये सब क्या चल क्या रहा है इधर? अरे ये वही ब्लैक एवल के चमचे हैं, इनके ऊपर हावी हो रखा है वो अभी भी। पूरे विकेंडी मैप में अभी तक मैंने 200 मार दिया है। क्या 200? ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया? हाँ विकेंडी में भी कुछ ज्यादा तादाद में थे, पर अभी ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुम दोनों मेरे साथ चलो घर, वहाँ पे बात करेंगे। खैर मैं एक बात बोलूँ, ये जगह ना सेफ नहीं है सच में, क्योंकि बैट जोकर अगली बार पोसाइडन को यहीं से लेके गया था, उसे पता है जोकर के घर के बारे में। तो फिर मतलब वो यहाँ पे कभी भी पहुँच सकता है या फिर कभी भी अटैक कर सकता है हम पे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इनको एक सेफ जगह पे ले चलते हैं, यहाँ पे पास में मेरा एक पुराना घर है, वहाँ पे ले चलते हैं इनको, वहाँ पे सेफ रहेंगे। फेरो भाई सोच कह रहे हो, सही तो कह रहा है रॉकी। हाँ ठीक तो कह रहा है, चल ठीक है ले चलते हैं। अब सही है फेरो, ये जगह बहुत ही ज्यादा सेफ है, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। वह कौन घुसा है इस घर में, बाहर निकल हुए बिना पूछे घुस लिए इस घर में, जल्दी निकलो बाहर। ले बोलते ही मुसीबत आ गई, अब ये कौन है जो बाहर चिल्ला रहा है? पता नहीं होगा कोई, एक काम कर लो यार, देखियो जाके कौन है, ये सर में दर्द कर रहा है मेरे चिल्ला चिल्ला के। हाँ ठीक है मैं पूछता हूँ, रुको। हाँ वही कौन है तू, और इस घर में बिना पूछे कैसे घुस गया? वो पहले तो धीरे बोल, हम यहाँ पे रहने के लिए आए हैं। तो रहने आए हो तो किसी के भी घर में घुस जाओगे बिना पूछे? नीचे आ भी बताता हूँ तुझे, अगर मैं नीचे आ गया तो मरवर आ जाएगा तू। अबे वो जानता भी है किसका आदमी हूँ, रॉकी भाई का, उन्हीं का घर है ये। अबे साले तेरे पापा अंदर हैं, रुक अभी भेज रहा हूँ नीचे। अरे क्या हो गया, क्या बोल रहा है? अरे तुम्हारा ही कोई दोस्त है यार रॉकी भाई, तुम जाके बात करो। हाँ ठीक है। हाँ वो पिंटू क्या हो गया तुझे? अरे रॉकी भाई तुम,
मुझे लगा तुम्हारे घर में कोई बिना पूछे घुस गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आके बोल रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे हो। अरे मुझे कुछ काम आ गया था तो इसलिए इस पुराने घर में आ गया मैं। और बता कैसा है तू? मैं बढ़िया भाई। अरे ये अटैक किसने किया? अबे साले मैंने किया अटैक। और ये क्या, वो शायद उनको लेके कहाँ भाग रहे उधर से उधर। अबे ये जोकर टाइप का कौन है? लगता है ये उसी की गैंग का है। हाँ बेटा मैं उन्हीं की टीम का हूँ। ले 10 मिनट हुए नहीं, अभी भी फाइट स्टार्ट हो गई। तो एक काम कर लो, यहाँ पे पोसाइडन का ध्यान रख, मैं भी आता हूँ नीचे से। ठीक है भाई तुम बेफिक्र जाओ। अबे सालो हमारा कभी तो पीछा छोड़ दिया करो, छिपकली की तरह छिपके रहते हो। फेरो बात आगे बढ़ जाए, उससे पहले तुम यहाँ से निकलो, मैं इनको संभाल लूंगा। अबे पागल हो गया क्या, अकेले लड़ेगा उससे? उसके हाथ में तलवार भी दिख नहीं रहा। अरे ये बात तुम अभी छोड़ो, तुम जाके सिर्फ पोसाइडन को बचाओ, भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, तू देख लियो इनको। अबे कार्लो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया भाई ऐसा? अरे वो साला बैट जोकर आ गया तलवार लेके, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी। और रॉकी कहाँ है? वो आ जाएगा, तू चल। ये तो एक पे फ्लैट हो गया, अब क्या करना है? करना क्या है, ले चल डाल दे पिंजरे में। अरे दरवाजा खोलो, मैं आ गया। अरे तुम तो सामान लेने गए थे, बहुत जल्दी आ गए। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? आओ आओ अंदर आओ, आ जाओ दोनों, आ जाओ, शर्माओ मत। विंटर क्वीन कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। एंजल विकेंडी में कैसे, तुम लोग घूमने आए थे क्या यहाँ आसपास? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो तुमसे मिलने आए थे। अरे ये सब तो बातें होती रहेंगी, कुछ खाने पीने के लिए तो लेके आओ। हाँ हाँ मैं लेकर आई, एक सेकंड। ये लो। थैंक यू। तुम भी लो। शुक्रिया। और बताओ दोनों घर पे सब ठीक? हाँ उसी बारे में बात करनी है वलंस तुमसे, थोड़ा अकेले में कर सकते हैं? हाँ ठीक है ऊपर चल के बात करते हैं, आ जाओ। विंटर क्वीन तुम एवलांच के साथ कैसे? तुम तो इसे पसंद भी नहीं करती थी। स्टार्टिंग में मुझे इसके साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये एक अच्छा इंसान है और मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है। चलो अच्छा है तुम दोनों साथ हो, एक दूसरे का ख्याल भी रख लेते हो। और तुम बताओ जोकर के साथ कैसा चल रहा है सब? सब कुछ ठीक ही चल रहा है, बट एवेंजल में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। मैं इन सब से बहुत तंग आ गई हूँ, इन सब से फाइट करते करते। तो एवलांच ऐसा ऐसा सीन है, अब तलवार उसके हाथ में, अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी चीज तुम्हें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए थी, उसे कहीं दफना देना चाहिए था, फिर ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं। मुझे लगा कि गलत हाथों में ना पड़ता है, इसलिए मैंने अपने पास रखा उसे। आखिर वही काम हुआ लास्ट में, पड़ गई किसी के हाथ में और उसको आती भी है चलाने। तुम अच्छे से जानते हो उस तलवार के बारे में कि उसे कैसे रोकना है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, तो हमारी प्लीज हेल्प करो। उसको वो तलवार चलाने आती भी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें हमें खतरा भी है बहुत। हाँ खतरा तो है मैं जानता हूँ, पर उनको रोकना पड़ेगा, अगर रोका नहीं गया तो वो और भी बड़े बड़े बुरे काम करेंगे। हाँ सही कहा तुमने, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सुनो मैं जोकर के साथ कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से बातें करो यहाँ पे। अरे हम दोनों भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ में? ना कोई बात नहीं, एवलांच जा रहा है ना, तुम यहीं पे रहो। ठीक है जोकर अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है बाय। तो
तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में बता दो, और हाँ अगर पसंद आई तो लाइक भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके जल्दी से फॉलो कर दो यार, जल्दी जाओ फॉलो करो। और हाँ जिन जिन भाई ने इस वीडियो में हेल्प करी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा मैंने, चैनल जरूर से विजिट कर लेना, वो भी बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनवाने में। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now wishing. I ain't never gonna stop too driven. I ain't never getting lost, got vision. I'ma make this shit hot ignition. Yeah, don't give me back, stop fixing. Let me know I'm fucking listen, cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed, don't be asking for permission. If you can't, then you're resisting it. Start acting like you're winning, make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims, have a thought and have a vision. Don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Let's go. Yeah, I said I got this, I'm on it. Give me 5 years and I got